हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो में हमने वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया था लेकिन अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास रिमेनिंग है जिनको कि आज हमें देखना है सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट शाला स्टार्ट करते हैं हमारे उन रिमेनिंग क्वेश्चन को देखो सारे क्वेश्चन कंप्लीट तो करने ही एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि हमें पूरा रिविजन करना है और जब रिविजन की बारी आती है तो अगर एक भी क्वेश्चन हमने स्किप किया है दैट मीन्स कि हम हमारे एग्जाम के लिए ना एक लूप होल छोड़ रहे हैं तो हमें वो लूप होल नहीं छोड़ना है दैट इज वाई सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और अच्छे से उनको याद भी करना है रटना नहीं है समझना है चलिए सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अस ऑफ टेन किलोग्राम इज एट क्या रखा है टेन किलोग्राम का इट इज मूव टू point बी उसको कहाँ मूव कर दिया हमने पॉइंट बी पे मूव कर दिया मतलब कि ये जो मास था यहाँ पर जो की है टेन किलोग्राम ये है टेन किलोग्राम ये कहाँ पर है पहले पॉइंट ए पर था पॉइंट ए पर से कहाँ चला गया ये चला गया पॉइंट बी पर यहाँ पे आ गया पॉइंट बी पर आ गया नाउ इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी ए एंड बी इज हॉरिजोंटल अगर ये दोनों लाइन जो ज्वाइन को ज्वाइन कर रहे हैं ना ये पॉइंट्स कहाँ कैसे है ये हॉरिजोटल लाइन पे है मतलब अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूँ तो क्या हो जाएगा एक हॉरिजोनटल लाइन बनेगी एक वर्टिकल लाइन नहीं बनने वाली है दैट मीन्स कि हमने अगर टेबल के ऊपर अगर ये रखा है तो टेबल पर ही हमने इसको मूव कर दिया है फाइन नाउ वॉट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ है ये हमको बताना है अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा तो देखो ग्रेविटी किस तरफ लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ होता है तो अर्थ की ग्रेविटी क्या करती है सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने का काम करती है तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है टेबल के ऊपर रखा है तो ग्रेविटी कहाँ लग रही है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है इसका नीचे की डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो ग्रेविटी लगेगी वो कहाँ लगेगी हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगेगी क्यों लगेगी ग्राउंड नीचे ही तो है अर्थ ये तो टेबल के ऊपर है तो यहाँ जो नीचे अर्थ है ये क्या कर रही है इसको नीचे खींचने का काम कर रही है कोशिश तो ये बहुत कर रही है कि ऑब्जेक्ट नीचे आ जाए लेकिन वो आ नहीं रहे अब इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ इस डायरेक्शन में हुआ हमने इसको हॉरिजॉन्टली क्या कर दिया ए टू बी ले गए वर्टिकल नहीं है अगर ये वर्टिकल होता तो फिर अलग बात थी लेकिन अभी वर्टिकल नहीं है अभी ये कैसा है हॉरिजॉन्टल है डैट मीन्स कि हमें सब्जेक्ट ए को बी तक लेकर गए टेबल पर ही है लेकिन अभी ये टेबल पर था सपोज ये मेरी टेबल है यहाँ पे था ऑब्जेक्ट यहाँ से मैंने इसको इस डायरेक्शन इस में खिसका दिया क्या फर्क पड़ा टेबल पर ही तो है बस ये हॉरीजोंटल भी मूव कर गया ये ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है इसका मतलब है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के ही बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का बन रहा है ये एंगल बन रहा है अभी नाइनटी डिग्री और अगर ये एंगल बन रहा है आपका नाइनटी डिग्री इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब वर्कडन जो होगा वर्कडन इज इक्वल टू कितना होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वर्कडन कितना हो जाएगा वर्कडन हो जाएगा आपका जीरो वाई ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट एक और फॉमूला हमने देखा था डोंट फर्गेट एक फॉर्मूला कौन सा था डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस्ट सीटा आई होप कि अब आपको ये याद हो गया होगा भले ही आपने थीटा नहीं पढ़ा है भले ही आपने साइन कॉस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास बट इन दोनों के बीच का जो एंगल था उसे हमने क्या लिया है कॉस्ट थीटा लिया है और वो एंगल कितना है 90 डिग्री है तो कॉस्ट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जीरो दैट इज वाई जो वर्क डन होगा ये कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा फाइन तो ये वर्कदन कितना हो गया आपका जीरो हो गया चलिए तो so, यहां पर हम क्या कहेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटी लग रही है अर्थ के ऊपर वो हमेशा कहाँ होती है नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ इसका मतलब परपेंडिकुलर थे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दैट इज वाई जो वर्कदन हुआ है वो जीरो हुआ है नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फ्री फॉर्म है यहां पर था एक ऑब्जेक्ट ये फ्री फॉल में मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है बढ़ नहीं रही है पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती क्या है तो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट कंडीशन में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टेबल कंडीशन में होता है तब हम कहते हैं कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी है अभी पोटेंशियल एनर्जी है जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर था यहाँ पर था ऊपर तब तो हमने क्या कहा था इसके अंदर कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्यों है मोशन में नहीं है दैट इज वाई काइनेटिक एनर्जी क्या थी यहाँ पर जीरो देखो पोटेंशियल एनर्जी को मैं ओनली पी लिख रही हूँ अभी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फाइन तो पी लिख दी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी थी मैक्सिमम थी फाइन मैक्स थी काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी थी जीरो वाई बिकॉज ये रेस्ट कंडीशन में था ऑब्जेक्ट अब क्या है जैसे ही हमने इसको गिराया फ्री फॉलिंग होगी फ्री फॉल होते ही यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो धीरे 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 कम होती जाएगी बिकॉज ये मोशन में आ गया वेलोसिटी इंक्रीज होगी जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो रेस्ट कंडीशन है वो छूटती जाती है इसीलिए क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है अब डज दिस वॉयलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाई क्या ये सेंटेंस आपको ये बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो फेक है बिल्कुल काम करनी है झूठ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं क्यों नहीं बिकॉज अगर मैं मान के चलती चलो हम एक एजम्पन लेते हैं एजम्पन मतलब कि मैंने मैक्स की जगह हम लिख देते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है टेन मानने में क्या जाता है मान लो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी यहाँ पर जीरो हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था उसका मतलब क्या था उसका मतलब ये था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी जो हमने स्टार्टिंग में बोल दिया है ना इतनी है तो वो उतनी ही रहेगी ओवरऑल कहीं भी आप देख लो उस अब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स की मैकेनिकल एनर्जी विल बी कॉन्स्टेंट वो चेंज नहीं होगी देखते हैं चेंज होती है कि नहीं होती है चलिए अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या आया टेन आया दोनों को जब ऐड कर लो टेन आएगा फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पॉइंट पे चेक करते हैं इस पॉइंट पे चेक किया हमने तो देखो पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा डिक्रीज हो रही है मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी बिकॉज ये मोशन में आ गया ऑब्जेक्ट यहां मैंने कहा ये टू हो गई यहां ये था एट दोनों का देख लो अभी कितना है सम टेन है नेक्स्ट पॉइंट पे चेक कर लेते हैं अभी तो और नीचे जाएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करो मैंने कहा यहां पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो और चेंज हो गई ये हो गई फाइव काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी इंक्रीज हो गई ये भी हो गई फाइव अब दोनों का सम देख लो टेन है सिमिलर है ना बिल्कुल सही बात है भाई सिमिलर ही रहेगा और देख लेते हैं चलिए और नीचे आए हम और नीचे आए तो एक और पॉइंट पे चेक करते हैं इस पॉइंट पे हमने चेक किया इस पॉइंट पे देखा तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हो गई टू और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हो गई एट अगेन दोनों का सम कितना आया टेन आया लास्ट में चेक कर लो ये लास्ट जहाँ पर हाइएस्ट मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है तब क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी टेन दोनों का सम कितना आया टेन आया क्या मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज हुआ ओवरऑल एनर्जी में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ कॉन्स्टेंट है बिल्कुल कॉन्स्टेंट है दोनों का सम हमेशा कॉन्स्टेंट रहा है दैट मीन्स कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो फेक नहीं है और ये सेंटेंस इसको वॉयलेट कभी भी नहीं करता है चाहे कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है चाहे उसको ऊपर फेंका गया है चाहे वो कैसे भी मूव कर रहा है इधर जा रहा है उधर जा रहा है कोई भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है रेस्ट कंडीशन में आ गया फिर मूवमेंट करने लग गया फिर रुक गया एक फोर्स लगा अचानक से एकदम से उसकी स्पीड बढ़ गई कुछ भी हुआ हो हमेशा जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो सेम रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बिकॉज एनर्जी को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं वो हमेशा सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है यहाँ भी तो देखो पोटेंशियल एनर्जी से ट्रांसफॉर्म ही तो हो रही है काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल सही बात है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर बहुत ईजी चीज़ें हैं बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिनको आपको समझना है उसके बाद आपको क्वेश्चन इतने ईजी लगने लग जाएंगे ना कि आप खुद ही सोल्व कर लेंगे आप सोचेंगे मैम आप नहीं समझाओगे तो भी हम कर लेंगे चलिए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यू आर राइडिंग अ साइकिल अगेन वही है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन कैसे आपके पास बहुत सारी एनर्जीज आपके पास साउंड एनर्जी आपके पास हीट एनर्जी लाइट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी विंड एनर्जी इतनी एनर्जीज है आप क्या करते हो हमेशा उनको ट्रांसफॉर्म करते रहते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उस फॉर्म से तीसरी फॉर्म में अब यहां पर भी आपको क्या करना है ये बताना है कि जो बच्चा जब बाईसाइकिल चला रहा है तो यहां पर आपकी जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह से हो रहा है इस बच्चे की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है या अगर आप अपने आप को यहां पर एंज्यूम करते हो तो आपकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है भाई आपके अंदर कोई ना कोई एनर्जी जरूर थी बिल्कुल सही बात है मम्मी ने बादाम भी खिलाए थे मम्मी ने जूस भी पिलाया था घर पे अच्छा सा डोसा वोसा भी खिला के भेजा था खाना बहुत अच्छे से पेट भर के खाया था हमने तो एनर्जी तो बहुत है हमारे अंदर बिल्कुल सही बात है और बच्चों में तो वैसे ही बहुत एनर्जी होती है सो so, इन इस बच्चे के अंदर बहुत सारी एनर्जी है अब जब ये साइकिलिंग करेगा तो लास्ट के अंदर क्या होगा थक जाएगा इसको फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या हुआ एनर्जी तो थी ना इसके अंदर कहाँ गई कि गायब हो गई बिल्कुल नहीं क्यों नहीं हुई गायब कहाँ चली गई तो इसकी जो मस्कुलर एनर्जी थी इसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी उसको हम क्या कहेंगे मस्कुलर एनर्जी बिकॉज इसकी मसल्स के अंदर एनर्जी थी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे थोड़ी ना कि गुब्बारा है इसके अंदर हवा भरी है वैसे हमारी बॉडी के अंदर हमने एनर्जी फिल करी है एक पिनचुबाई और एनर्जी बाहर ऐसा तो नहीं है हमारी जो मसल्स है उनके अंदर होती है एनर्जी तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है मस्कुलर एनर्जी है ठीक है अब ये जो मस्कुलर एनर्जी है जब ये साइकिलिंग करेगा मसल्स को आ, यूज करेगा मस्कुलर एनर्जी को यूज़ करेगा तब क्या होगा इसकी बॉडी को बिल्कुल गर्म जैसा लगेगा गर्माहट लगने लगेगी धीरे धीरे पसीना भी आने लगेगा इसका मतलब ये जो मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर फाइन जस्ट आपको क्या बताना था एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो बस सिंपल है मस्कुलर एनर्जी थी इसके अंदर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है चलिए देखो क्वेश्चन में भी आपको क्या बोला यही कहा है हाँ मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में और एक मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई है बिल्कुल सही बात है मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या कहते हैं जब हम मोशन में होते हैं तो भैया इस, इसकी बॉडी मोशन नहीं कर रही है क्या बिल्कुल कर रही है इसकी बॉडी मोशन दैट मीन्स कि एक और एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इसका फाइन चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस When यू पुश a huge रॉक with ऑल योर might एंड फेल टू मूव इट क्या यहां पर कोई एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा या एनर्जी का ट्रांसफर होगा क्या कि भाई इस पर्सन इस बच्चे के अंदर थी सारी एनर्जी फाइन यहाँ पर क्या हो गया इसकी एनर्जी जो है इस पत्थर के अंदर चली गई इज इट पॉसिबल बिल्कुल नहीं पॉसिबल तो नहीं है ये तो भाई इसकी एनर्जी इसकी खुद की होती है ट्रांसफर तो नहीं हो सकती ये तो बिल्कुल सही बात है नाउ वेयर इज द एनर्जी यू स्पैंड गोइंग आपने उस पत्थर पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया इतना ज़्यादा फोर्स लगाया क्या थक गए आपको फिर से जूस की जरूरत पड़ी आपको फिर से खाने की जरूरत पड़ी ताकि आपको एनर्जी मिले अब क्या हुआ आपने जो एनर्जी स्पेंड की थी जो खर्च की वो कहाँ गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई है देखो आपके अंदर जो तो बहुत सारी एनर्जी थी जब आपने फोर्स लगाओगे तो क्या होगा आपकी बॉडी भी क्या होगी फिर से गर्म होने लग जाएगी इतनी गर्म हो जाएगी कि आपकी बॉडी में इसे क्या निकलने लगेगा पसीना निकलने लगेगा ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे उसके लिए पसीना निकलेगा इसका मतलब क्या हुआ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई आपकी एनर्जी आपकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई ऐसा नहीं कि वो पत्थर के अंदर चली गई सारी आपकी एनर्जी हाथ लगाया तो ट्रांसफर हो गई एनर्जी जैसे वो आ, कार्टून सीरीज में होता ना कि यहाँ से अगर कुछ ट्रांसफर करना है तो उसको टच कर दो ऑटोमेटिकली सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा नहीं ऐसा तो नहीं होता है बिल्कुल नहीं होता तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई है यहाँ पर जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है किसमें हीट एनर्जी में चलिए देखो इस क्वेश्चन में भी क्या दिया है देर इज़ नो मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर टू द स्टेशनरी रॉक जो मस्कुलर एनर्जी थी आपकी वो स्टेशनरी रॉक के अंदर उस पत्थर के अंदर बिल्कुल नहीं गई है लेकिन देर इज़ नो एनर्जी लॉस बिकॉज मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी देर इज हीट एनर्जी हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है मस्कुलर एनर्जी आपकी और कुछ नहीं हुआ है कहीं नहीं गई है आपकी एनर्जी चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टिन हाउस होल्ड हैज हैज़ कंज्यूम्ड थ्री टू हंड्रेड फिफ्टी यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ एक हाउस होल्ड है मतलब एक घर है जिसके अंदर कितनी एनर्जी यूज है टू हंड्रेड फिफ्टी यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है वन मंथ में यूज की गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है वन मंथ की आपकी एनर्जी कितनी है मंथ की आपकी एनर्जी है टू हंड्रेड फिफ्टी यूनिट्स आपकी एनर्जी वन मंथ में कितनी होगी टू हंड्रेड फिफ्टी यूनिट्स आपने यूज किए ठीक है चलिए नाउ हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूस अब अगर मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो ये एनर्जी किस में होगी भाई यूनिट्स में अभी तो मेरी एनर्जी मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है जूल्स में इसको मुझे कन्वर्ट कर देना है जूल में कैसे करेंगे तो हमने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ा था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब था कि भाई वन किलो वॉट आर वन किलो वॉट आर का मतलब क्या होता है वन किलो वॉट आर का मतलब होता है थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन टू दी पावर फाइन चलिए वन किलो वॉट आर का मतलब क्या हो गया थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बेन टू दावर सिक्स जूल्सोट आर अब किलो वॉट आर का मतलब क्या होता है तो इस का मतलब होता है वन यूनिट वन किलो वॉट आर का मतलब क्या होता है वन यूनिट तो आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है ना जिसको बिल को देख के मतलब घर वाले बोलते हैं कि इतना सारा बिल ये तुम्हारी वजह से आया है पूरे दिन तुम्हारी लाइटें चलती है पूरे दिन तुम्हारा एसी चलता रहता है किसी रूम में हो नहीं हो तुम्हारे लाइट पंखे सब चलते ही रहेंगे ऐसे छोड़ छोड़ के चले जाते हो ये ताने सुनने को मिलते हैं ना बिल्कुल मिलते हैं बहुत सारे मिलते हैं तो जब इतना बड़ा बिजली का बिल आता है ना तो जो घर वाले ताना मारते हैं ना इतना यूनिट बिल आया तुम्हारी वजह से तो वो यूनिट क्या है वो यूनिट ही तो है किलो वॉट आर वन किलो वॉट आर का मतलब है वन यूनिट और हमारे घर में टू फिफ्टी यूनिट आना थ्री हंड्रेड यूनिट आना फाइव हंड्रेड यूनिट आना इट्स नॉर्मल क्योंकि हमारे घर में ए सी फ्रिज कूलर सब चलता है उसके बिना हमारा काम नहीं होता सो टू फिफ्टी यूनिट्स बिल आया है किसी के घर का हमें ये पता करना है कि जूल्स में इसकी एनर्जी कितनी होगी तो हमें बहुत अच्छे से पता है वन किलो वोट आर का मतलब होता है थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन टू दी पावर सिक्स जूल्स और अगर मुझे किलो वोट आर को कन्वर्ट करना है जूल्स में तो मैं क्या करूँगी मल्टीप्लाई कर दूंगी इस फिगर से बस सिंपल है ये तो जैसे होता है ना वन किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है वन थाउजेंड मीटर होता है अब अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई सेवन किलोमीटर तो मुझे गिवन है आपको कन्वर्ट करना है किसान मीटर में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है छोट बड़े से छोटे पे जाना है तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करते हो वन थाउजेंड से सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर यही है बड़े से छोटे पे जाना है कि, uh, किलो वॉट आर से जूल पे जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो इस फिगर से चलिए तो इस फिगर से हम क्या करेंगे जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा देखिए है टू फिफ्टी यूनिट से हमारी एनर्जी एनर्जी कितनी है हमारी टू फिफ्टी यूनिट्स और जब इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एनर्जी इज इक्वल्स टू टू फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर सिक्स आई होप कि इतनी चीज़ तो क्लियर है चलिए तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा ई इज़ इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू देखो थ्री पॉइंट सिक्स था अगर मुझे इस पॉइंट को हटाना तो मैं जीरो को भी हटा दूँ फाइन तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास में यहाँ बचेगा ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय थर्टी सिक्स आई होप कि इतनी चीज़ समझ में आ गई यहाँ से हमने टेन को लिया टेन को मल्टीप्लाई कर दिया थ्री पॉइंट सिक्स से तो हमें मिल गया थर्टी सिक्स और यहाँ आ गया ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन टू द पावर सिक्स एज इट इज़ अब क्या रहा ट्वेंटी फाइव इंटू थर्टी सिक्स तो ट्वेंटी फाइव और थर्टी सिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं देखो ट्वेंटी फाइव और थर्टी सिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सिक्स वन फिफ्टी जीरो फिफ्टी ट्वेंटी फाइव थ्रीजा सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव कितना हो जाएगा एटी और मतलब ये कितना हो गया नाइन हंड्रेड हो गया तो यहाँ लिख दो यहाँ हो जाएगा नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टेन टू दी पावर सिक्स और अगर ये टू जीरोज भी मुझे उसके अंदर डालना है तो क्या होगा नाइन मल्टीप्लाई बाय टेन टू द पावर एट तो आंसर कितना हो गया नाइन मल्टीप्लाई टन टू पावर एट जूल्स सिंपल सी चीज़ है हमारे घर का जो बिल आता है ना अगर आपको उसको जूल्स में कन्वर्ट करके देखना है तो बहुत ईजी है जस्ट आपको क्या करना है इस फिगर से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका जो बिल है वो जूल्स में कितना आने वाला है और कितने लैक्स या कितने करोड़्स में आने वाला है जिसको कि आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे देख लो अगर ये सिर्फ जूल्स में ही रहता तो हम क्या बोलते हैं नाइन मल्टीप्लाई टेन टू दी पावर एट जूल्स हमारा बिल आया है इसका मतलब कितना बिल आया है हमारा देखो घर वाले फिर कितना बोलते हैं हमें कि नाइन एट टाइम्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस फिगर को चेक कर लो माय गॉड कितना बड़ा बिल है ये तो मतलब अगर मैं बोलूँ ये मेरा वंस पीरियड हो गया था लेक थाउजेंड हो गया लेख हो गया करोड़ मतलब नाइन्टी करोड़ मेरा बिल नाइन्टी करोड़ जूल मैंने एनर्जी यूज़ कर ली है कितना बड़ा अमाउंट है ना ये सुनने में इसी को इजी करने के लिए हमने क्या कर दिया उसको किलो वोट आर में कन्वर्ट कर दिया ताकि घर वाले से इतना बोले ढाई सौ आया है ढाई सौ यूनिट सॉरी ढाई सौ नहीं ढाई यूनिट बिल आया है वरना बोलते हैं नब्बे करोड़ जूल बिल आया हमारा नब्बे करोड़ जूल का बिल आया अब देख लो कितनी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो तो फिर तो पिटाई हो जाती है अच्छी खासी रोज लेकिन इसी से बचने के लिए हमने क्या किया उसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया किलो वर्ड आर में उसको कन्वर्ट कर दिया हमने चलिए आई होप कि ईजी है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है और अब तो लर्न भी हो गया होगा पिटाई से बचने का ऑटोमेटिकली हमें एक तरीका जो मिला है चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेस्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबोव द ग्राउंड द क्वेश्चन इज सही दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फोर्टी किलोग्राम एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है फोर्टी किलोग्राम है तो मेरे पास ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है इसका मास हमने ले लिया फोर्टी किलोग्राम कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है इज रेज टू अट ऑफ फाइव मीटर अबोव द ग्राउंड इसको हमने कितना ऊपर उठाया है फाइव मीटर अबोव द ग्राउंड तो ये मेरा ग्राउंड है यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस चेक करूँ ये तो ये कितनी है फाइव मीटर है यानी हाइट कितनी हो गई फाइव मीटर वॉट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी आई होप कि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच एम जी एच क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज एम इज इक्वल्स टू मास जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल मोशन एच मीन्स हाइट हाइट हमें गिवन है देखो मास हमें गिवन है हाइट गिवन है मास गिवन है बिल्कुल गिवन है सिंपल है वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर देते हैं उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल अगर हमने क्या किया है ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है अगर हमने इसको गिरा दिया फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी वैन इट इज़ हाफ वे डाउन ये बात की बात है कोई प्रॉब्लम हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा एम जी एच पुट द वैल्यू वैल्यू को पुट किया हमने तो मास हमारा कितना है देखो फोर्टी मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू होती है नाइन पॉइंट एट जी की वैल्यू क्या होती है नाइन पॉइंट एट ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा नहीं रहा है तो हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट इज फाइव मीटर मल्टीप्लाई कर दे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा चेक कर लेते हैं पीई पोटेंशियल एनर्जी इज टू देखो जीरो को टेन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं नाइन पॉइंट एट से तो कितना हो जाएगा नाइनटी एट हो जाएगा यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा फोर मल्टीप्लाई बाय नाइनटी एट मल्टीप्लाई बाय फाइव अब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ फाइव और फोर को तो ये हो गया नाइनटी एट मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1960 नाइन जूल्स मतलब 1960 थाउजेंड इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इस क्वेश्चन ने आपको पूछी है नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल अब ये ऑब्जेक्ट बेचारा ऊपर चुपचाप बैठा था लेकिन हम उसको शांति से बैठने थोड़ी ना देंगे हमने क्या किया उसको धक्का दे दिया किसी पर्सन को ले जाके मत दे देना धक्का क्यों बैठा है? हम धक्का देते दे घर दे? वाले मार डालेंगे आपको सो so, जस्ट आपने क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया ऑब्जेक्ट गिरा नीचे फाइन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी वैन इट इज़ हाफ वे डाउन जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में था ऊपर था तब इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी थी जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को हमने नीचे गिराया इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी ज़रूर होगी तो उस वेलोसिटी की वजह से क्या हो गया इसकी सारी एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी बिकॉज ये मोशन में आ गया दैट इज़ वाई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन जब ये हाफ वे डाउन है मतलब जब ये यहां तक पहुंच जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट आधा रास्ता कवर कर लेगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपको ये बताना है तो आधा रास्ता कवर किया है मतलब क्या हुआ आधी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और आधी काइनेटिक एनर्जी अभी आधी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है आधी कन्वर्ट हो चुकी है देखो टोटल ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 1960 थाउजेंड लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि जब ये हाफ वे आया है आधा रास्ते से ट्रेवल कर लिया तब ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये कन्वर्ट हो गई किसमें काइनेटिक एनर्जी में लेकिन ओनली हाफ एनर्जी कन्वर्ट हुई है पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हाफ वे ओनली तो पूरी एनर्जी अभी कन्वर्ट नहीं हुई है अभी सिर्फ कितनी हुई है हाफ कन्वर्ट हुई है तो जब ये हाफ ही कन्वर्ट हुई है तो हम क्या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वैन इट इज़ हाफ वे डाउन वैन इट इज़ हाफ वे डाउन तो हाफ वे डाउन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका हम क्या कर देंगे हाफ ऑफ पोटें पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्या कर दिया यहाँ पर देखो हाफ कर दिया इक्वल्स इक्वल्स टू टू आंसर कितना आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय और जब इसको कैंसिल कर दोगे तो कैंसिल एनर्जी तो मतलब तो देखो कितनी हो गई हो गई है नाइन हंड्रेड एटी जूल्स तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी थी 1960? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी नाइन हंड्रेड एटी जूल्स हो जाएगी आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर है देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है इसमें तो चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ जस्टिफाई योर आंसर व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों ओर घूम रहा है अब अर्थ के चारों ओर घूमने वाला सैटेलाइट कौन सा होता है मून होता है भाई नेचुरल सैटेलाइट है मून उसके अलावा हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे हैं वो अलग मैटर है बट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट ठीक है और मेरी मर्जी है मैं नेचुरल को लूंगी मैं क्यों लूँ आर्टिफिशियल को सो so, अर्थ जो है उसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है अभी मून चक्कर लगा रहा है सिंपल सी चीज़ है ये तो चलो ठीक है आपको ये बताना है इसका वर्क डन कितना है वाई दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसका वर्क डन कितना है वाई दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में होगा अर्थ ने क्या किया ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया किस पे लगाया मून पे तो मून को अपनी ओर खींचेगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स यही तो करता है अपनी ओर खींचता है सारे ऑब्जेक्ट को तो ये मून को अपनी ओर खींचेगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा देखो फोर्स लगा है हमारा फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा इस डायरेक्शन में बट जो मून है वो कहा जा रहा है मून तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना राउंड में घूम रहा है मतलब इसके टेंजेंशियल में घूम रहा है ये तो दैट इज वाई इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा देखो कहा इस तरफ हो रहा है फोर्स कहाँ लग रहा है अर्थ की तरफ लेकिन डिस्प्लेसमेंट का अगर मून कहाँ जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है मून इस तरफ जाएगा फोर्स लगेगा अर्थ की तरफ फाइन तो यहाँ पर जो एंगल बना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कितना बनेगा 90 डिग्री वहां नहीं यहाँ चेक कर लो एक और पॉइंट पे चेक कर लो जब यहाँ आ गए थोड़ा और यहाँ आ गए चेक कर लेते हैं और यहाँ पर भी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगेगा इस तरफ अगेन जो ये मूवमेंट करेगा ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा हमेशा इसके टेंजेंशियल में मूव करेगा ये यहाँ चेक कर लेते हैं फोर्स कहाँ लगा इस तरफ लगा ये मूव किस तरफ कर रहा है इस डायरेक्शन में कर रहा है दोनों के बीच का एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री ऑलवेज नाइन्टी डिग्री है दैट इज वाई जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा जीरो वर्क डन कितना होगा जीरो अब तो याद हो गया होगा ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो नाइन्टी होता है या दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तब क्या कहते हैं हम कि वर्क डन कितना होता है जीरो होता है आपने कोई भी वर्क नहीं किया है कुली को याद कर लिया करो जैसे ही अभी ये परपेंडिकुलर का नाम आया ना वैसे कुली को याद किया करो कुली ने सारा सामान अपने सिर पे उठाया था फोर्स लगाया था बट डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ तो 90 का एंगल बन गया एल बन गया बस हो तो गया खत्म हमारा आंसर आ गया चलिए सो so, ये आपको आंसर में लिखना है इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो देखो यू नो वेरी वेल कि वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग द आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा इफ यू कांट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ताकि आपको एक बार के लिए एक जस्ट आइडिया हो जाए उसके बाद तो आपको लिखना ही है चलिए सो आई होप की क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन दे आर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एबसेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योअर फ्रेंड्स एंड टीचर व क्वेश्चन इज संग दिस टाइम कि कैन दे आर बी डिसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या हम ये बोल सकते हैं कि डिसप्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हो रहा है हो तो रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट तो है हमारे पास में मे बी इस डायरेक्शन में हो रहा होगा लेकिन कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहां पर फोर्स कितना है जीरो फोर्स कितना है जीरो अब अगर फोर्स जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा ये आपको बताना है क्या हो सकता है क्या अगर पॉसिबल है तो क्यों है नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं है सिंपल सी चीज है अब अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये जहां है ना ये वैसे ही रहे तो मैं क्या करूंगी इसको कोई फोर्स नहीं लगाऊंगी इसके ऊपर जैसे ही मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये तो पोजिशन चेंज कर दी इसने डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कंटिन्यूसली इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स नहीं लग रहा ये कोई कंडीशन हो सकती है क्या तो देखो फोर्स जीरो किस किस कंडीशन में होता है तो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन अब अगर मैं एक्सेलरेशन को जीरो कर दूं तो क्या फोर्स ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा जब चेंज इन वेलोसिटी होगा ही नहीं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी विल बी सेम तब हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है फाइन कोई एक ऑब्जेक्ट है सपोज मेरी कार है अगेन चलो कितनी सुंदर कार होती है हमेशा हमारी कार है ये हमारी राउंड नहीं है इस बार हमने कार बनाई नहीं है चलिए सो so ये कार है हमारी ये कार जो है ये फोर्टी मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब क्या हुआ ये यह यहाँ पर आई इसको मैंने टेन सेकेंड के बाद फिर चेक किया तब भी कैसे मूव कर रही थी फोर्टी मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी मैंने इसको फाइव सेकेंड के बाद पहले भी चेक किया था यह यहाँ पर भी चेक किया था तब भी फोर्टी मीटर पर सेकेंड था फिर तो मैंने इसको फिफ्टीन सेकेंड के बाद फिर चेक किया तब भी क्या हुआ ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो कार है मेरी ये फोर्टी मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही मूव कर रही है अब अगर मैं बोलूँ इनिशियल वेलोसिटी इज़ फोर्टी फाइनल वेलोसिटी इज तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी दोनों क्या है सिमिलर है मतलब फोर्टी माइनस फोर्टी अब टाइम आप ले लो टेन सेकेंड ट्वेंटी सेकंड फिफ्टीन सेकेंड कुछ भी ले लो जो यहाँ पर गिवन है हमारे पास तो ये कितना हो जाएगा जीरो बाय टेन इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब मेरा फोर्स भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी कितना हुआ जीरो हुआ पॉसिबल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है बिल्कुल हो रहा है कार यहां थी वहां पहुंच गई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स जीरो हो गया पॉसिबल है ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कब पॉसिबल है जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है लेकिन एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है जब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा इसका मतलब क्या होगा कि उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो अगर उसका एक्सेलरेशन है जीरो दैट मीन्स कि फोर्स भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन जीरो है फोर्स भी कितना हो गया जीरो हो गया और फोर्स जीरो होने से क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी हमारा हो ही रहा है डिस्प्लेसमेंट चेंज थोड़ा ना हो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है कंटिन्यूअसली हो रहा है बस हम ये कहेंगे वर्क डन नहीं हुआ हमारा आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट होगा वर्क जो फोर्स है वो नहीं लगेगा बिल्कुल सही बात है भाई फोर्स नहीं लग रहा है तो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसा नहीं है कि फोर्स लगेगा तो ही डिस्प्लेसमेंट होगा बिल्कुल नहीं अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दैट मीन्स कि वहां पर क्या होगा फोर्स जीरो पॉसिबल है और डिस्प्लेसमेंट हो ये भी पॉसिबल है आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है आपको चलिए देखो यही आंसर हमने यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है येस इट इज ट्रू ये सही है देयर मे बी डिस्प्लेसमेंट इन द एबसेंस ऑफ फोर्स फोर्स नहीं है तो भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो सकता है इन दैट केस क्या होगा एक्सेलरेशन वुड बी जीरो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा बिकॉज मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका कोई ना कोई मास जरूर होगा अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है दैट इज वाई मास को हम जीरो नहीं ले सकते लेकिन हाँ हम एक्सेलरेशन को जरूर जीरो ले सकते हैं तो फोर्स भी कितना हो गया जीरो लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही है चलिए देखो यूनिफॉर्म मोशन में होगा ये काम आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है आपको सो so, अब जो हमारे लास्ट कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं एक्सरसाइज के बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हमारे रह गए जिनको कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको इन सारे क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज़ करना है ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भागना नहीं पड़े इन चीज़ों के लिए अरे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है एटलीस्ट हमारी साइंस तो कंप्लीट रहे थैंक यू सो मच